माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी पूछती जिने दुनिया सारी, आओ उनके गुण गाए सब मिलके जन्माष्टमी मिलाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अनादि टीवी की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन ही नहीं पूरा देश कान्हा के रंग में रंग गया है। हर तरफ उत्साह उमंग और भक्ति का माहौल है। यूपी में कान्हा के जन्मदिन पर ब्रज के मंदिरों को दुल्हन सा सजाया गया है। प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, रंगनाथ, द्वारकाधीश राधारमण, स्कॉन समेत 25 मंदिर रोशनी से जगमगा रहे हैं। जन्मभूमि स्थित गर्भगृह में कारागार की तरह सजावट की गई है। देश में मथुरा से लेकर द्वारका तक रास्ते, चौराहे और घाटों पर भी भव्य सजावट की गई है। घर, गली, मोहल्ले में उत्सव है। हर भक्त प्रेम, आस्था और उत्साह से सराबोर हैं। यूपी में इस बार जन्माष्टमी पर चंद्रयान 3 की झलक दिखाई देगी। इसरो चीफ सोमनाथ के नाम पर सोमनाथ पुष्प बंगला बनाया जाएगा। साथ ही भगवान कृष्ण को प्रज्ञान प्रभास पोशाक पहनाई जाएगी। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी की धूम कैसी है, इसका जायजा आज हम लेंगे। बंदी गृह में जन्म ने प्रभु श्री कृष्ण को इस बार बंदी गृह में ही तैयार पोशाक धारण कराई जाएगी। ये पोशाक मथुरा नगरी में स्थित बंदी गृह के कैदियों ने तैयार की है। ऐसा पहली बार होगा जब भगवान बांके बिहारी जी कारागार में बनी पोशाक पहनेंगे। बांके बिहारी और राधा श्री के कुल 11 वस्त्र बनाए गए हैं। इन पोशाकों को कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बांके बिहारी मंदिर के सेवायत को सौंप दी है। आज जन्माष्टमी के दिन वृंदावन के बांके बिहारी इन्हीं पोशाकों में सुशोभित होंगे। मथुरा की जेल में हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी का जन्म हुआ। आज उसी जेल में कैदियों द्वारा बनाई हुई पोशाक को जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी हमारे ठाकुर जी वो पोशाक पहनेंगे, सभी उत्तर प्रदेश के कैदियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। देखिए, जिला कारागार मथुरा में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बंदियों की पूर्ण सहभागिता उसमें दर्ज कराई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों के आराध्य श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म कारागार में हुआ था और कारागार ही उनकी मूल जो है जमीन है, मूल जन्म स्थान है। तो इसलिए इस बार हम लोगों द्वारा एक विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने आराध्य देव को बंदियों द्वारा निर्मित पोशाक अर्पित की जाए। इस विचार के आने के पश्चात हम लोगों द्वारा 8 बंदियों की टीम बनाई गई और कपड़े का चयन किया गया और एक सप्ताह लगा हम लोगों को नेट के माध्यम से। हम लोगों ने डिजाइन देखी, साइज देखा, सब कुछ देखने के बाद इस रणनीति पर पहुंच के एक सप्ताह में हम लोगों द्वारा पोशाक तैयार कराई गई। देखिए, ये बड़ा गौरव का विषय है कि जहाँ भगवान कृष्ण का जिस जेल में जन्म हुआ है वहीं के कैदियों ने ठाकुर जी के लिए पोशाक तैयार करी है। ये बड़ी विशेष पोशाक इन लोगों ने तैयार की है। करीब 8 से 9 कैदी इन्होंने ये पोशाक तैयार की है हमारे माननीय धर्मवीर प्रजापति कारागार मंत्री जी के अनुरोध पर और हमारे जेल अधीक्षक जी ब्रजेश कुमार जी के पूर्णतः सहयोग से ये पोशाक माननीय मंत्री जी द्वारा आज हमको अर्पित की गई है। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पुनीत पर्व पर ठाकुर जी को यह पोशाक धारण कराएंगे। देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने तैयार किया है वगैरह से और कपड़ा अरकंडी बुकरम उनके लिए बांके बिहारी लाल के लिए तैयार किया है। कितने दिनों की मेहनत के बाद बनाई और कैसे ये सोच आई कि आप जेल में बंद होने के बावजूद भी इस तरह के भगवान की पोशाक बनाए? सर, हमारे ये सौभाग्य है कि बांके बिहारी लाल के लिए हमने पोशाक जो तैयार की है और ये हमको इसमें इतना टाइम लग गया, 15-5 दिन करीब लग गया इसमें। अच्छा, कितने लोगों ने ये पोशाक बनाई थी और कितने पीस इसमें बनाए हैं, क्या क्या बनाया है? सर, हमारे साथ में जो 8 जने हैं, 8 जनों ने बनाई है पोशाक, तैयार किए पीताम्बर।
तो देखिए जन्माष्टमी है और आज रात को ठीक 12 बजे जन्माष्टमी मनाई जाएगी और ऐसे में जो भक्त है उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो भक्त है वो साफ तौर पर भगवान की भक्ति करते भी नजर आ रहे हैं। सुबह से मंदिरों में तांता भी लग गया है लेकिन सभी को इंतज़ार है रात 12 बजे का क्योंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ में फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है जन्माष्टमी को लेकर और लोगों में कितना उत्साह है? कल अगर हम बात करें कल रात से ही लोगों में बहुत उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर। आज किसी जन्माष्टमी है और अगर देखा जाए तो मंदिरों में इस बार जन्माष्टमी में चंद्रयान 3 और G20 की झलक भी देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किशन काना जी को जो बाकायदा सिंहासन झूले पे है और भक्तजन आ रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक उन्हें झूला भी झुला रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। जी फिरोज, अगर बात कर ली जाए तो भगवान को श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद है। कहा जाता है कि जब भी भगवान का श्रृंगार किया जाता है उसके बाद में आईने में उन्हें अपनी तस्वीर भी दिखाई जाती है जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं, तो इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिलती है। ऐसे में भगवान का श्रृंगार किस प्रकार से किया जा रहा है? देखो श्रृंगार तो ये कल से ही चल रहे थे, तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से हैं, मगर कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में जन्माष्टमी पर G20 की गाइडलाइन भी भारी पड़ी है। अगर हम बात करें बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कभी आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। जी विनोद, अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात कर ली जाए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है जन्माष्टमी पे, ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, मंदिर परिसर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है जिससे कि जो ज्यादा भीड़ अगर भक्तों की होती है तो उसे सुचारू व्यवस्था वहां पर की जा सके? पुलिस ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि जन्माष्टमी के टाइम पे जो दिन है जैसे आज का दिन है 7 तारीख, सेंट्रल दिल्ली के कुछ मंदिरों को कुछ समय के लिए खोला गया है, मगर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, वॉलंटियर्स और दिल्ली पुलिस के जवान अपनी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। जी अगर हम बात करें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा कही जाती है लेकिन मथुरा के साथ ही साथ देश विदेश से तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली में कहां कहां से लोग आ रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं? हेलो जी विनोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आई बोलिए। विनोद, अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा कही जाती है लेकिन मथुरा के साथ ही साथ देश भर में हर एक मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहां पर तमाम साजो सज्जा भी की जाती है, लेकिन हम लोगों की बात करें क्योंकि देश के साथ ही साथ विदेश से भी लोग आते हैं, तो दिल्ली में अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में कहां कहां से लोग आ रहे हैं और उनमें कितना उत्साह और जोश है? इस बार अगर हम बात करें तो विदेशों से भी बहुत से जो यात्री हैं और जो भक्तजन हैं वो आ रहे हैं। अगर हम बात करें G20 के, कल हम लोग कुछ मंदिरों में सर्वे कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहां भी पता चला था G20 में हिस्सा लेने आने वाले बहुत से ऐसे साथी हैं जो G20 के समिट में हिस्सा लेंगे और वो भी मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं और उनका जो जाना है शाम के 7 बजे से चालू हो जाएगा। जी तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद तमाम तस्वीरें हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए दिल्ली से हमारे साथ में संवाददाता विनोद रस्तोगी जुड़े थे जिन्होंने तस्वीरें साझा की और बताया कि किस प्रकार का उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है और मंदिर में सुबह से ही जो तमाम भक्त हैं वो जयकारों के साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी को इंतजार है ठीक रात 12 बजे का क्योंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। देखिए अगर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात कर ली जाए तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जा रहा है कि 5242वां ये जन्म है भगवान श्री कृष्ण का और ऐसे में भक्तों में साफ तौर पर उत्साह देखा जा सकता है। बात करें भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी अगर देखा जाए तो कंस जो कि मथुरा का राजा कहा जाता था जिसकी बहन थी देवकी और देवकी का जो विवाह हुआ था वो वासुदेव के साथ में हुआ था लेकिन इसी दौरान अचानक से आकाशवाणी होती है और ये कहा जाता है कि कंस की जो हत्या का कारण है और जो हत्या करेगा वो देवकी का पुत्र ही होगा। ऐसे में कंस ने भगवान की बात कर ली जाए, देवकी वसुदेव की बात कर ली जाए तो दोनों को कारागार में बंदी बना लिया था। इसके बाद में देवकी और वसुदेव के 7 पुत्रों की लगातार कंस ने हत्या की थी और इसके बाद 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया जिसे हम विष्णु का रूप भी कहते हैं और उन्होंने
ने कंस का वध किया था। इसी के बाद में तमाम ऐसी कई सारी लीलाएं हैं जो भगवान ने पृथ्वी लोक पर रची थी, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और इसी के साथ ही ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियां भी की गई थी, लेकिन उस समय भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना जमकर की जाती थी। द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती थी, और इस समय भी अगर देखा जाए तो जो भक्त है वो काफी उत्साहित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है। भगवान को श्रृंगार करना काफी पसंद था, और उन्हें अगर देखा जाए तो मटकी फोड़ माखन चोर कहा जाता है, और माखन चोरी करके खाना उन्हें बेहद पसंद था। और ऐसी जो छुटपुट लीलाएं थी जिसकी वजह से वो नटखट नंद लाला भी कहलाए। तो तस्वीरें आपके सामने अनादि टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की पोशाक बनाई गई है, और जो भक्त है उनमें उत्साह है और सभी रात 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखते ही बन रही है। भोपाल में एक ऐसा कृष्ण मंदिर है जहां हर साल अनोखे वस्त्रों के साथ भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। ये सभी वस्त्र हाथों से बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार क्या कुछ खास है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है, इसका जायजा अनादि टीवी संवाददाता वैभव गुप्ता ने मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर लिया। विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार, भगवान के 24 अवतार में से 22वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से मथुरा में भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हम राजधानी भोपाल के बरखेड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में हैं, और यहाँ भी भव्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री के साथ ही कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर आते हैं, और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाकर उनसे देश विदेश की उन्नति की कामना करते हैं। तो ये भव्य मंदिर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमाएं हैं, इसके साथ ही भव्य रूप से उनका श्रृंगार किया गया है। संतोष जी हमारे साथ हैं जो कि अहिर समाज के अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से इस मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस मंदिर की विशेषता क्या है। मेरा नाम संतोष यादव, मैं अहिर यादव समाज का अध्यक्ष। बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान की पोशाक विशेष तौर पर बनाई गई है, जिसमें सोने के पत्र का ताम्र का काम किया गया है। इस पोशाक को बनाने के लिए मेरे को 40 दिन का समय लगा है। मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से है ही प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करता रहूँ। इस मंदिर, चूँकि 65 साल पुराना मंदिर है, भव्य तरीके से जन्माष्टमी यहाँ पर मनाई जाती है, तो और किस अलग अंदाज में हमें यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देखने को मिलेगा। ये विगत 65-70 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे हमारे भगवान स्वयं, जो कि बरसों पेटी में रखे रहे और स्वयं उन्होंने आकर यहाँ पर विराजमान हुए थे। हम इनके वंशज, ये हमारे इष्ट देव हैं, हम इनकी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये स्वर्ण जड़ित ये पूरे ही भगवान के वस्त्र रखे हुए हैं। इन वस्त्रों में ही हमें कृष्ण भगवान नज़र आएंगे और ये पूरा राधा कृष्ण नज़र आएंगे, तो उनके साज श्रृंगार के लिए पूरे ही आभूषण यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप भव्य प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं, श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन आप कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बाबू जी, 65-70 साल पुराना ये मंदिर है, किस हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा, क्योंकि साल भर लोगों को इंतजार रहता है, मथुरा में तो चूंकि दर्शन करने के लिए पहुँचते ही हैं, यहाँ भी भारी भीड़ होती है। बोल भाग्य बिहारी लाल की। सब हर वर्ष की तरह हर साल इसी तरह जन्माष्टमी के हम मनाते हैं अहिरा समाज, और सभी श्रद्धालुओं को बुलाते हैं। इस मंदिर के अंदर कम से कम 20 साल से शिवराज जी आ रहे हैं, बराबर हर साल आते हैं बराबर, और हम इस त्यौहार को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस बार हमने जुलूस को पीले वस्त्रों में डेकोरेट कराया, पूरा सारी महिलाओं को बुलाया है पीले साड़ी के अंदर, सारा जेंट्सों को बुलाया साड़ी में पीले कपड़ों के अंदर, साफों से सबको डेकोरेट करेंगे और अच्छा जुलूस निकालेंगे। भव्य रूप से शोभा यात्रा की भी तैयारी की जा रही है, भव्य यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये रथ तैयार हो रहा है, इस पर ही कृष्ण भगवान यहाँ से निकलेंगे आसपास घूमते हुए,
वापस यहाँ पर आएंगे तो बच्चियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रथ के जो टायर होते हैं जो उसकी पेंटिंग करें उनसे बात करेंगे। आप बताओगे किस तरीके से आप ये तैयारियाँ कर रहे हैं जन्माष्टमी को लेकर? इसका हमें बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है हर साल, क्योंकि ये राधा कृष्ण के जन्म का जो उत्सव है वो बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। क्या कहेंगी राधा कृष्ण के बारे में, किस तरह से आप उनकी पूजा करते हैं, मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी करते हैं माना जाता है? हाँ, बहुत जल्दी करते हैं, हमारे वो वंशज हैं, हम उनके यादव वंश में, हम उन्होंने जन्म लिया था कृष्ण भगवान ने, तो उनके वंशज हैं, तो इसलिए और ज़्यादा उत्साह से हम उनको मनाते हैं उनका जन्म। ना कहीं से कि हम राधा कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान के वो करते हैं अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं कि हमने उनके वंश में जन्म लिया। गर्व की बात है, गर्व की अनुभूति भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि रथ यहाँ से रवाना होगा, ये प्रमुख मार्गों से जाएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार की थीम है जो पीले रंग की थीम रखी गई है, इसमें जो भी शामिल होगा पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही शामिल होगा। रथ को भी पीले रंग से ही चूँकि सजाया जा रहा है, ये सामने इसमें जो मंदिर हमको नज़र आ रहा है इसमें ही श्री कृष्ण भगवान हमको बैठे हुए नज़र आएंगे। पूरे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये वो आप देख सकते हैं कि स्वर्ण जलित वस्त्र हैं, इन्हें पहने हुए ही हमें राधा कृष्ण नज़र आएंगे। आभूषण भी यहाँ पर रखे हुए हैं और इस वक्त जो आप देख सकते हैं भव्य जो प्रतिमाएं हैं राधा कृष्ण की, 12 बजे ही यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म का भव्य उत्सव मनाया जाता है। तो श्रद्धालुओं में तैयारियाँ कर ली हैं जिस तरह से उन्हें पूजा अर्चना करनी, इसके साथ ही जो प्रबंधक होते हैं उन्होंने भी पूरी कोशिश की है ताकि किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। भारत को से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ में सोनू सिंह जुड़ गए हैं फोर लाइन पर। सोनू, अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के साथ ही साथ पूरे देश भर के तमाम ऐसे मंदिर है जहाँ पर उनके जन्मदिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? सुनो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अजी देखिए जी, मथुरा से दिल्ली तक और दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड तक सभी श्रद्धालु बड़े ही हर्षोल्लास से, बड़े ही खुश मिजाज से कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड तपोभूमि के नाम से भी विख्यात है, लिहाजा उत्तराखंड के तमाम ऐसे श्री कृष्ण जी के मंदिर हैं, राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं और गीता भवन जो राजधानी देहरादून का एक सबसे बड़ा मंदिर है जहां पर मुख्य आयोजन इस पर्व पर आयोजित किया जाता है, वहां पर पहले से ही तैयारियों में तमाम जो व्यवस्थापक है वो जुटे हुए हैं और सुंदर सुंदर पोशाक जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा रानी जी की बनाई जा रही है और इसके साथ साथ मंदिर को दुल्हनिया की तरह सजाया गया है और बेसब्री से तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही श्रद्धालु में इंतजार होता है बेसब्री से इस बात का कि जब कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जी। तमाम ऐसे देवालय हैं, तमाम ऐसे मंदिर है जहाँ पर पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं और अगर हम गीता भवन धाम की बात कर लें तो यहाँ पर विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है और कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पहले से ही तैयारी की जाती है और खास तौर पर 16 श्रृंगार किए जाते हैं, 56 भोग लगाया जाता है और कृष्ण जी की लीलाओं का मंचन किया जाता है, तो तमाम कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजधानी में जो है तमाम मंदिरों में वो राधे कृष्ण जी के जयकारों से पूरी राजधानी गुंजमान हो रही है। जी, तो बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड का भी जायजा लिया हमने, किस प्रकार से वहां पर भी तैयारियां की जा रही है और जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं और इसी के चलते तमाम जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए और साथ ही अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जो भी पसंद है, चाहे माखन की बात करें या फिर उसके साथ ही साथ हम श्रृंगार की बात करें, तो वो भी किया जा रहा है। भगवद गीता में एक बहुत ही प्यारा श्लोक जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया, कहा गया था कि पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, अर्थात
दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और सज्जन के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए मैंने युगों युगों से जन्म लिया है और आगे भी लेता आऊंगा। तो ये तमाम उपदेश जो कि हमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सीख देते हैं और साथ ही जीने की कला भी सिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं के द्वारा तो काफी प्रचलित थे ही, लेकिन उनके जो उपदेश थे वो काफी खास थे। अगर इन्हें हम अपने धर्म में अपनाए, अपने अंदर अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी एक अच्छा जीवन बन जाता है। तो इसी के साथ तमाम जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं और भक्तों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कई ऐसे भक्त जो कि कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सालों से वो तैयारी कर रहे हैं, इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हें मनाया जा सके, उनका जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और इसके साथ ही उन्हें जो जो चीज़ें पसंद हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाई जा रही है। चाहे हम खाने की बात करें, माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी पसंद है और उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ब्रज की भूमि पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूमधाम है। हर मंदिर दुल्हन सा सज गया है। प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा है। जन्म उपरांत प्रभु का 5 नदियों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना होगी और श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण होगा। पूरी रात भजन पूजन और कीर्तन चलता रहेगा। राधे राधे। आज हम पहुंचे हैं गोवर्धन गिरिराज जी, जहां पर ब्रज धाम में कृष्ण के जन्म को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं मंदिरों को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है और राधा कृष्ण की जो मूर्तियां हैं, प्रतिमा हैं, उनको नई नई पोशाकों को धारण करवाकर एक नई छवि सामने प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम जानते हैं मंदिर के जो सेवायत हैं उनसे कि क्या खास रहेगा आपकी बार जन्माष्टमी को लेकर, उन्होंने अब की बार क्या विशेष तैयारियाँ कर रखी हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं इस समय पवन कौशिक जी, जो कि सेवायत दानगाड़ी मंदिर के हैं। आज चलो हम उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है। पवन जी पहले तो वेलकम। पवन जी, जैसा अब की बार जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारी कर रखी है आपने? भगवान कृष्ण का जन्म होने जा रहा है हमारे कन्हैया का, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बड़ी धूमधाम से उसको मनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने पहले से ही मंदिर प्रांगण में संपूर्ण में बाहर अंदर लाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। रोशनी प्रकाश से मंदिर जगमगा रहा है। हमने तैयारी कर रखी है, एक तो हजारों गुब्बारों से मंदिर को सजाया जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर गुब्बारे और से सजाते हैं, उसी प्रकार मंदिर में भी हजारों गुब्बारों से सजाया जा रहा है। उसके बाद प्रभु का रात को 12 बजे से दुग्ध अभिषेक होगा। उसमें 5 नदियों का जल लाने का प्रयास किया गया है। 5 नदियों से जल से अभिषेक के बाद दूध दही शहद घी पंचामृत से पूरा पंचामृत अभिषेक करके इत्र की मालिश होगी, ठाकुर जी की मालिश करके पूरा आरती उतारी जाएगी, भगवान के जन्म की बधाई गाई जाएंगी, सबको प्रसाद मालपुआ इमरती का जो विशेष महत्तम होता है वो बांटा जाएगा, हर भक्त को पंचामृत चरणामृत दिया जाएगा। अभी आपने जाना किस तरह से यहाँ ब्रज के मंदिरों में धूम मचने जा रही है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब कान्हा हमारे जन्म लेंगे, और ब्रज में एक ही धूम देखने को मिलेगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किस प्रकार से हैं और इस दिन का सभी भक्तों को इंतजार रहता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर तमाम तैयारियां तो की ही जाती है, लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की पोशाक पहनकर वो भी जो कृष्ण लीला है उसका आनंद उठाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जिस रूप में पूजा जाता है, भगवान उसी रूप में उस भक्त को अपना लेते हैं। कभी द्रौपदी के द्वारा जिस प्रकार से उनकी जो मित्रता थी उसकी बातें भी कही जाती है और इसी के चलते वो कई सारे रूपों में भी सामने आते हैं। चाहे हम बात करें उनके तमाम रूपों की और तमाम नामों की, तो उनका सांवला रंग होने की वजह से उन्हें कान्हा कहा जाता है, तो कभी देवकी पुत्र कहा जाता है, तो कभी यशोदा पुत्र भी कहा जाता है।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा जिस प्रकार से की जाती है तो सारी मनोकामनाएं तो पूरी होती ही है, लेकिन उसके साथ ही जो भक्त हैं उनमें उत्साह आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि साल भर से वो तैयारियां करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर, और ठीक 12 बजे के बाद में जो उत्साह है वो भक्तों में साफ तौर पर नज़र आ जाता है। हालाँकि तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और किस प्रकार से उत्साह है भक्तों में, ये भी आप यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए आपको अब सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता अनूप चौधरी हमारे साथ में जुड़ गया है। अनूप, बात करें लखनऊ की तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, गोकुल, वृंदावन सचकर तैयार है। अगर तैयारियों की बात करी जाए तो किस प्रकार की सजावट वहां पर की गई है और लोगों में कितना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, हम यहाँ पर इस वक्त है लखनऊ का इस्कॉन टेम्पल है, ये इस्कॉन बोर्ड के इलाके में लगता है और यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, मुख्य जगह है, यहाँ पर भक्तिमय माहौल है। यहाँ पे चाहे महिला है, पुरुष है, युवक युवतियाँ भक्तिमय माहौल में झूम रहे हैं। भगवान प्रभु की उनके नंद गोपाल है, उनकी याद में, उनके स्मृति में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही, भजन कीर्तन चल रहा है और देर रात तक की, जब तक की जब भगवान कृष्ण जब पैदा होंगे उस समय तक की यहाँ भजन कीर्तन का सिलसिला चलता रहेगा। युवक युवतियाँ यहाँ पर भक्तिमय माहौल में लीन है, नृत्य कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा जलाभिषेक किया गया। अभी एक बार जलाभिषेक हो चुका है, शाम को भी जलाभिषेक होगा और पूरी तैयारी की गई है। अभी यहाँ कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी अभी आए थे, यहाँ पर दर्शन किए थे। हमारे ठीक पीछे ही ये इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पर ही मुख्य मंदिर है और यहाँ पे ही भगवान जो लड्डू गोपाल है यहाँ पे विराजे हैं और यहीं पे शाम देर रात को 12 बजे तक की भजन कीर्तन चलता रहेगा। जो भक्त हैं सुबह से ही अपने प्रभु के आराध्य, प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हैं और वो सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं और भक्तिमय माहौल है पूरी तरह से। यहाँ पे अलौकिक दृश्य है और देर शाम होते ही यहाँ पर इसका और भी नजारा काफी भव्य और दिव्य अलौकिक हो जाएगा। इसको लेकर भक्त भी उस दिव्य अलौकिक और भव्य नजारे को देखने के लिए आतुर है। बिल्कुल, और इसी साफ तौर पर देखा जा सकता है भक्तों में तो उत्साह है, लेकिन सभी को इंतजार है 12 बजे का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। देखिए, अलग अलग राज्यों से हमने तस्वीरें दिखाई, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उम्मीद करते हैं कि तस्वीरें आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जो तमाम उपदेश है उसको आप धारण करें और उसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूं इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।